लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब को सब्सक्राइब करें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC, इन्होंने स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर बम्पर भर्तियां निकाली है। योग्यता होगी सिर्फ 12वीं पास। टोटल 8378 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा आपको। फटाफट से जान लेते हैं इसकी जॉब डिटेल्स के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC इसका रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। पोजीशन नेम की बात की जाए तो ग्रेड सी और ग्रेड डी की ऑफिसर्स के पोस्ट पर आपकी भर्ती होनी है। 8378 टोटल वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 2 अगस्त 2023 से। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है। ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in है इनका। सैलरी की बात कर लेते हैं भैया तो 9300 रुपये से लेकर 34800 रुपये तक मंथली आपको मिलेंगे ग्रेड सी पोस्ट वालों के लिए। ग्रेड डी पोस्ट वालों के लिए 5200 रुपये से लेकर 20200 रुपये तक मंथली दिया जाएगा आपको। इसके साथ ही आपको कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे स्टेनोग्राफर्स की सैलरी में, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। इन सब का खर्चा आपका सरकार उठाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी ग्रेड सी पोस्ट के लिए 18 से 30 साल होना चाहिए। ग्रेड डी पोस्ट के लिए 18 से 27 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको SSC स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से मिल जाएगा। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन PDF पढ़ना पड़ेगा। अभी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, पुराना वाला नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मैंने पहले ही बता दिया है सिर्फ 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो यार इसका अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट में बता दें कि इसका डिटेल वीडियो चाहिए। तो यार मैं ऊपर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको इनके रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे चले जाना है जिसका लिंक मैं इस वेबसाइट पे दे दूंगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनके रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे चले जाना है। वहां आपको सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल डिटेल डालना पड़ेगा, जैसे नाम, आधार नंबर और एड्रेस वगैरह। और उसके बाद आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। लास्ट में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का PDF डाउनलोड कर लेना है या फिर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं यार। जनरल OBC वालों को 100 रुपी पे करना पड़ेगा और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यार यहाँ पर दो स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, लास्ट में आपका शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होगा। यार अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 2 अगस्त 2023 से। लास्ट डेट 23 अगस्त रहेगा। एग्जाम डेट की बात की जाए तो 12 और 13 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा। तो यार इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।